नमस्कार, आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ईरान की कुर्द महिलाएं उत्तरी इराक में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट को टक्कर दे रही हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो की सूचना आपको मिल सके। आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट IS के खिलाफ इराक और सीरिया में सैन्य अभियान जोरों पर है। इस जंग में पुरुष सैनिकों के साथ ही कुर्दिश महिला सिपाही भी IS के खिलाफ मोर्चा संभाल रही हैं। ये ईरानी कुर्दिश महिलाएं न केवल महिलाओं की आजादी और उनके सशक्तिकरण की पहचान बन रही हैं, बल्कि सामाजिक बदलाव की जड़ों को भी मजबूत कर रही हैं। ये महिला फाइटर कुर्दों की फोर्स पेशमर्गा में शामिल हैं और इन्हें अमेरिकी सेना का समर्थन हासिल है। IS को परास्त करने के साथ ही इनका एक मिशन यह भी है कि इराक, ईरान, तुर्की और सीरिया से अलग होकर एक अलग स्वतंत्र कुर्दिश राष्ट्र बनाया जाए। ये न केवल IS के खिलाफ लड़ रही हैं, बल्कि इनकी लड़ाई समाज में स्त्री पुरुष की गैर बराबरी से भी है। इन महिला सैनिकों को 6 महीने की कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें उन्हें हथियार चलाने का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। इस लड़ाई में अरब मूल की और महिलाओं को शामिल करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। ऐसी महिलाओं की तलाश हो रही है जो कि IS के खिलाफ चल रही जंग से जुड़ना चाहती हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स का कहना है कि जब भी IS के चरमपंथियों की तरफ से ईरान के इन कुर्द महिलाओं पर मोर्टार गोले दागे जाते हैं तो सबसे पहले ये उनका जवाब लाउड स्पीकर पर गीत गाकर देती हैं। इसके बाद मशीन गनों की तरफ हाथ बढ़ाती हैं और निशाने पर होता है इस्लामिक स्टेट। सैनिकों के मुताबिक जंग केवल जमीन को आजाद कराने के लिए नहीं है, बल्कि औरतों और मर्दों को IS के चंगुल से बचाकर उन्हें आजाद कराने के लिए भी लड़ी जा रही है। ये महिलाएं जिस यूनिट का हिस्सा है उसमें 600 लोग शामिल हैं। यह यूनिट कुर्दिस्तान फ्रीडम पार्टी के साथ मिलकर लड़ रही हैं। कुर्द इसे POK के नाम से पुकारते हैं। एक महिला कुर्द सैनिक का कहना है कि वो अपनी सरजमीन की हिफाजत के लिए लड़ रही है। अब वो सरजमीन चाहे ईरान के कब्जे में हो या इराक के, इनके सामने चाहे इस्लामिक स्टेट हो या कोई और दूसरी ताकत, वो अपनी अपनी सरजमीन की आज़ादी के लिए लड़ती रहेंगी। इस समय ये महिलाएं पुरुष कुर्दों के साथ उत्तरी इराक में स्थित फजलिया नाम के एक देहाती इलाके में लड़ रही हैं। एक 32 वर्षीय महिला फाइटर का कहना है कि ये सच है कि इस्लामिक स्टेट खतरनाक है, लेकिन हमें उसकी परवाह नहीं है। हालांकि उत्तरी इराक में इन महिलाओं की मौजूदगी को लेकर विवाद भी हो रहा है। ईरान ने कुर्दिस्तान की क्षेत्रीय सरकार पर इन महिलाओं को बेदखल करने का दबाव बढ़ा दिया है। इन महिला सैनिकों का कहना है कि उन्हें पुरुष सैनिकों के बराबर ही माना जाता है और बराबरी का व्यवहार भी होता है। अगर आपको भी हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। हमारे इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके लिए वीडियो के नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें।